दोस्तों देखिए, ये है रेलवे स्टेशन। यहाँ का देहरादून का रेलवे स्टेशन है ये। हम आए थे अपने सिस्टर को छोड़ने के लिए। ये एक दिन पहले की क्लिप है, तो मैंने ये आपके साथ शेयर नहीं की। मैं तो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। यहाँ का थोड़ा सा सीन था आपको दिखा देती हूँ। तो आप लोग तो कई बार आए हुए होंगे रेलवे स्टेशन पर, लेकिन जो बाहर के हों जिन्होंने नहीं देखा होगा, वो बता रही हूँ मैं उनको कि ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है। काफ़ी बड़ा यहाँ का ट्रैक है, तो यहाँ पर उनकी ट्रेन लगी हुई है। तो मैं अपने सिस्टर लोगों को ही बैठाने आए हैं, उनको सी ऑफ करने आए हैं हम। तो बस उनको बैठा कर और फिर हम चल पड़ेंगे यहाँ से। बहुत शोर आ रहा था पीछे से, तो मैंने वॉइस ओवर मुझे करनी पड़ी यहाँ पर। तो अब हम उनको इस ट्रेन में बैठा देते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। हेलो मिस्टी वाले को। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? हमारी मिस्टी भी सब अच्छी है। हेलो, हम लोग लखनऊ जा रहे हैं और हम ट्रेन में हैं। हम लोग लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ। इसकी पेस्ट्री छूट गई आज, मुझे बहुत इसको इसे सुबह तक जो है पता नहीं कैसे हो जाएगा वो बनना। घर से निकलने के बाद याद आया कि घर पे टेस्टी लग के खाना भूल गया। ये इतनी ऐस टाइप की है, ये क्या बताऊं। हेलो, बस ये चादर आदर निकाली है अभी बिछाने के लिए, डायरी चल रही है, टिफिन विफिन निकाल लिया है, बस यही है। 10 बजे ट्रेन छोड़ जाएगी। बड़ा ही अच्छा रहा हमारा देहरादून का ट्रिप बड़ा अच्छा रहा। कुछ कहना चाहेंगे? ये 5 साल बाद आएगी। अच्छा, 5 महीने बाद। अरे ताली बजा रही है। अब मिस्ट्री भी जा रही है, खुशी हो रही है, सब के घर जा रही है, तो बड़ी खुश हो रही है। हेलो बोलो। बोलो हम जा रहे हैं, बाय बाय करो, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार से फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, मिस्टर एंड मिसेस निराला ब्लॉग्स में। तो देखिए दोस्तों, मुझे जुखाम भी लगा हुआ है, खांसी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा। तो मेडिसिन भी ली थी मैंने, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है ऐसा लग रहा है। तो देखिए, मैंने आपके लोगों के साथ में परसों मैंने वीडियो जो मैंने शेयर की थी, मैंने बताया था कि मैं अपने मायके गई हुई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी थर्ड नंबर वाली दीपिका, लखनऊ रहती है, जो उसका ससुराल लखनऊ है, तो वो उसने जाना था। तो इसीलिए अचानक से मुझे वहाँ जाना पड़ा मिस्टी से मिलने। मिस्टी की सच में बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रही हूँ मैं मिस्टी को, और इस वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो उनको हम रात को छोड़कर ही हम लोगों के साथ ही वो रेलवे स्टेशन पर आए थे। मतलब हम लोग उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने गए हैं। वहाँ पर हमने उनको 10 बजे की उनकी ट्रेन थी, तो हमने घर पे ही खाना वाना खाया और हम उसके बाद सीधा हम उनको छोड़ने चले गए। उनको छोड़कर और हमने ट्रेन में बिठाया उनको और हम घर निकल गए, घर आ गए अपने। क्योंकि जो मेरे मायका है वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है ना यहाँ पे रेलवे स्टेशन, तो क्योंकि मार्केट में ही है वो, तो इस वजह से हमें आना, इसलिए हम मम्मी ने बोला, बल्कि मम्मी ने उनके लिए कर रखी थी ना, मतलब बुकिंग कर रखी थी गाड़ी की, ये छोड़ देंगे उसको। लेकिन फिर भी मैंने इन्होंने बोला जब मम्मी जब हमने जाना ही है तो हम लोग खुद छोड़ देंगे, आप लोग क्यों कर रहे हो परेशानी ना। तो इस वजह से लेट भी हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते, और काफ़ी टाइम हो गया था, 10:30 बजे तक हम अपने घर पहुँच चुके थे। तो देखिए, जुकाम से भी कितनी बुरी हालत हो रखी है मेरी, रात को भी नाक बंद हो जाता है, ऐसा होता है कि बस घुटन टाइप की होने शुरू हो जाती है ना। एक तो आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो देखिए, हमारा जो है पूरा मॉर्निंग का जो है रूटीन निपट ही चुका है, फिनिश हो चुका है लगभग। क्लीनिंग हो गई है, ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया है। ब्रेकफास्ट में हमने वही करेले की सब्जी रोटी बनाई थी, तो वो तो मैंने आप लोगों के साथ में कई बार भी शेयर किए, बस वो खाया पिया, क्योंकि बड़ी फैमिली है, कई ऑफिस जाने वाले हैं, ऑफिस चले जाते हैं ऑफिस जाने वाले लोग। तो मैंने बताया है पहले भी आपको कि हमारी जॉइंट फैमिली है, फैमिली में ये लोग, तो मेरे सास ससुर हैं, मतलब मम्मी पापा हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, उनके 2 बच्चे हैं,
ये है मैं हूँ, एक ननंद है वो हमारे साथ ही रहती है यहाँ पे, उसकी पोस्टिंग यहीं पर है देहरादून में, पुलिस में हो, तो उसके दोनों बच्चे वो भी हमारे साथ में ही रहते हैं। तो मतलब काफ़ी बड़ा परिवार है हमारा, जॉइंट फैमिली है। मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी बताया है कि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो इसलिए तो मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ना अपनी वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास मेरा ट्राइपॉड जो है वो टूट चुका है, तो इस वजह से भी शायद मैं, इस वजह से भी मुझे काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि खुद से ही काम करना होता है, खुद से ही खाना बनाना होता है, खुद से वीडियो शूट करना होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है। पर चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट मुझे मिलता है, उसके लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। फिर भी मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी भी आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, और जो नए कस्टम नए हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो नए व्यूअर्स हैं हमारे, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपके साथ में अपना दिन का आप देखते हैं, मैं नहा धोकर फ्रेश तो हो गई हूँ, कपड़े भी आज मैंने ज़्यादा वॉश नहीं किए क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़े बहुत किए हैं, ऊपर से बारिश का मौसम, आज तो सच में आज धूप नहीं है बिल्कुल भी, आज बारिश का मौसम है, लग रहा है बारिश आएगी। तो नीचे चलते हैं, देखते हैं आज लंच में क्या बनता है, क्या बनाते हैं हम खाने में, और बच्चा पार्टी देखते हैं कितनी मस्त क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गौरी भी आ चुका है, गौरी लोग जो मेरी ननंद है, हाँ थर्ड नंबर की ननंद है जो मेरी, तो वो धर्मपुर में रहती है, किराए पे रेंट पे रहती है, वो सहारनपुर में उनका ससुराल, तो वो जॉब वाली हैं, उनके हस्बैंड जॉब वाले हैं, तो उनका बेटा हमारे साथ ही रहता है यहाँ दिन में, गौरविक है उसका नाम, आप लोग कई बार उससे मिल चुके हैं, तो वो सुबह आ जाता है शाम को चला जाता है। तो चलिए उससे भी मैं आपको मिलाऊँगी। तो देखते हैं नीचे बच्चा पार्टी क्या कर रही है, मस्ती कर रहे हैं, चिल्लाने की आवाज़ें तो आ ही रही है, तो चलिए लेके चलते हैं आपको। हेलो बोल, आप क्या कर रहे हो? मैं ऐसे नहीं फाड़ते पैकेट, दलाओ मैं फाड़ती हूँ। अच्छा मछली जल की रानी है, बोलो। मच्छी जल की रानी है, आज के दल के खा रही है। रात को तल के खानी है आपको? रात को तल के खानी है मछली? वाओ, ऐसे लाओ मैं फाड़ती हूँ। आदि आप बोलो, इधर आओ, बोलो बोलो, क्या खा रहे हो आप? कुछ आंबे। इतने दो दो एक साथ? दो दो एक साथ क्यों खा रहे हैं आप? वे बहुत अच्छा रहता है। और से शुरू से बोलो। गाइस हमें दाल बनाना है, चूड़िया। चूड़िया वाला? हाँ। कौन सा गाना है चूड़िया वाला? चूड़िया चूड़िया बोले, चूड़िया वो तो लड़कियों वाला गाना है। बोले चूड़िया। अच्छा ये कौन सा गाना होगा, चूड़िए चूड़िए चूड़िए, ये कौन सा गाना है भाई? ये तो मेरी दीदी ने सिखाया है। कौन सी दीदी ने सिखाया? हनी। क्या सिखाया हनी ने आपको? मेरी बहन का नाम है आरवी। आरवी क्या सिखाया उसने आपको? गौरी आप क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? ये पूरे क्रीम निकाल के, चॉकलेट की क्रीम क्रीम खा रहा है लड़का। खांसी नहीं होगी तेरे को? खांसी हो जाएगी ना, सारी बिस्किट से सारी क्रीम निकाली इसने सारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे मस्ती कर रहे हैं और मैं किचन में आ चुकी हूँ। मम्मी से पूछा क्या बनाए, मम्मी ने कहा पुलाव बना लो थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आलू और बड़ी है, सोयाबीन की बड़ी मैंने भिगो दी है, तो मैं इसका पुलाव बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हरी सब्जी भी कट कर ली है, इसको रख कर ढक दिया था मैंने। तो ये देख सकते हैं ये राई की सब्ज़ी है, हमारे हरी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है, आप लोगों को भी मालूम ही होगा, आप लोगों भी देखते ही होंगे हमारे वीडियो में कि बहुत ज़्यादा हरी सब्ज़ी खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा पीस छूट गया था आलू का कट करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं अब हरी मिर्च काट लेती हूँ फटाफट से, सब्ज़ी छौंक देती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने देखिए जखिया ऐड किया है थोड़ा सा। सब्जी भी थोड़ी सी थी क्योंकि हम लोग कम लोग थे खाने वाले, क्योंकि रमा दीदी तो आज अपने मायके गई हुई थी तो इसलिए आज कम ही लोग थे, तो जय भी नहीं था घर पे, हम ही लोग थे। मम्मी ने कहा रोज़ दाल दाल खा के बोर हो जाते हैं तो चलो आज पुलाव बना लो थोड़ा सा। मैंने कहा चलिए, बच्चे भी फिर पसंद करते हैं, रोज़ बच्चे भी दाल खाना पसंद नहीं करते, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा पुलाव बना लेती हूँ आज मैं, मुझे भी अच्छा लगता है पुलाव। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बातों बातों में मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी है, और इसमें बस मैंने कुछ भी थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, सरसों के तेल में ही बना रही हूँ मैं ये सब्ज़ी, अच्छी लगती है क्योंकि राई की सब्ज़ी हो कोई भी हरी सब्ज़ी सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है इसमें, इतने स्वाद के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से इसमें, ताकि नमक इसमें अच्छे से घुल जाए, मिक्स हो जाए सब्ज़ी में। उसके बाद इसको मैं ढक कर रख दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पुलाव छौंकने की भी तैयारी कर दी है, मैंने कुकर में तेल चढ़ा दिया है, थोड़ी सी मैंने इसमें मेथी डाली है, थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने इसमें, क्योंकि मैं बिना लहसुन प्याज के ही बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाले लिए थे, मैंने तेज़पत्ता लिया था, दो लौंग, इलायची वगैरह, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर और हरी मिर्च भी कट कर कर रख ली थी मैंने, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। सिंपल तरह से ही पुलाव छौंकी, लेकिन सच में बहुत ही टेस्टी पुलाव हो रहा था आज का। तो ये देखिए कैमरा बहुत ज़्यादा हिल भी रहा होगा क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही थी और साथ साथ शूट भी कर रही थी और खाना भी बना रही थी, क्योंकि आप लोग में इसको पता ही मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो उससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोग यूट्यूबर होंगे उनको पता ही है कि कितनी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नमक मिर्च हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अकेले क्योंकि खुद ही से वीडियो बनाए, खुद ही से खाना भी बनाना है, फिर वीडियो भी बनाए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। जो लोग यूट्यूबर्स होंगे उन लोगों को अच्छे से पता होगा। तो चलिए ये तो मेरी अपनी टेंशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बड़ी भी भिगो कर रखी है, ये भी अच्छे से फूल चुकी है। आलू भी मैंने साथ में उसी में कट कर दिए थे। तो अपने सारी सब्ज़ी को मैं इसमें ऐड कर दूँगी धीरे धीरे करके, इस तरह से मैं पानी इनका पूरा निकाल लूँगी हाथ से, इस तरह से मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी सारी सब्ज़ी डालकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी भी जो है अच्छे से किसी अच्छे से बन रही है सब्ज़ी भी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसको अच्छे से ढक लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए पुलाव सब्जी हमारी सब्ज़ी है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कुक हो चुकी है। तो मैंने चावल लिए हैं थोड़े से, मैं चावल धोकर देख सकते हैं मैंने चावल को भिगो कर रख दिया था थोड़ी देर के लिए और उसको वॉश कर लिया है अच्छे से। अब मैं चावल इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ चावल, और देखिए मैंने सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रखा है। तो बस अब मैं इसको फटाफट से इसको बना देती हूँ, उसमें पानी ऐड कर देती हूँ अब इसके अकॉर्डिंग जितना मतलब हमें खाना है। तो ये देख सकते हैं हमारा पुलाव बनकर रेडी है, मैंने थोड़ा सा रायता भी बनाया है और ये पुलाव बन चुका है। और यहाँ पर हरी सब्ज़ी है, थोड़ा सा रायता है बूंदी का, थोड़ी सी हरी सब्ज़ी है। तो ये देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों मैं नीचे से काम निपटा कर आ चुकी हूँ, आज घर पे कम ही लोग थे तो मैंने पुलाव बनाया, मम्मी ने कहा चलो पुलाव बना दो, मैंने पुलाव भी बनाया। यहाँ पर देख सकते हैं आदि भी आ गया था मेरे साथ सोने के लिए, तो इसको भी मैंने सुलाया है बड़ी मुश्किल से, ये सोता नहीं है, नहीं तो बहुत शैतानी करता रहता है। गौरविक को पापा ने सुला दिया, खांसी भी हो रही है इसको, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी, इसलिए मैंने सुला दिया। तो हम भी रेस्ट कर लेते हैं तब तक, थोड़ा सा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।